Assalamualaikum viewers, welcome in AL-YOUSUF Academy. Today we have learned electronic configuration from chapter 3 atomic structure. Electronic configuration नील बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को जो है सामने रखते हुए ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेश की गई थी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जो है निकला है इलेक्ट्रॉन से, जबकि कॉन्फ़िगरेशन इसकी मीनिंग है सीक्वेंस, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट shells of an atom. Particular distribution of electrons among the different shells of an atom means के electrons की ज़ाहिर सी बात है किसी atom में दो electrons होते हैं, किसी में चार होते हैं, किसी में आठ, किसी में बारह. तो ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट शेल्स में एटम के थ्रू जो की जाती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मालूम करने का, वो है 2N2. क्योंकि हमारे पास जिस तरह से न्यूक्लियस होता है, इसके अगर बराबर में बिल्कुल इसके जितना करीब में जो है शेल होगा, उसका एनर्जी लेवल बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन का. उसका ऑर्बिट के जो एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी जो होगी उसकी, वो बहुत कम होगी बनिस्बत उसके जो न्यूक्लियस से दूर वाले. जितना दूर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल होगा या ऑर्बिट होगा या शेल होगा, उसकी एनर्जी इतनी ही ज़्यादा होगी. अब इसका फार्मूला है, हम जैसे हमारे पास होते हैं कितने हमारे पास शेल होते हैं, हमारे पास मौजूद होते हैं KL MNOP सोन. KLM ये हमारे पास शेल हैं. अब ये नंबर 1 शेल है, ये नंबर 2 शेल है, नंबर 3 शेल का M नाम दिया है, 4, 5 और 6. अब ये इसका फार्मूला है व्यूअर्स. अब इसके ज़रिए से हम जो है मालूम कर सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल रह सकते हैं. तो इस फार्मूले के तहत हम देखते हैं कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो अब हम इसको फार्मूले के तहत देखते हैं 2N2. एन की जगह हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू 1, और ये हमने इसको 1 2 2 2 2 4. इट्स मीन के K शेल में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2. सॉरी, यहाँ वैल्यू हमसे थोड़ी सी गलत हो गई. 1 1 1 का अगर हम जो है स्क्वायर लेते हैं तो 1 ही आएगा, 1 1 1. सो हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास K शेल में आ गया इलेक्ट्रॉन 2. यानी 2 से ज़्यादा एग्जिट्स 1 शेल में नहीं कर सकते. उस फर्स्ट शेल का नाम है K शेल. अब हम बात करते हैं L शेल की. L शेल का नंबर है हमारे पास 2. L शेल के बारे में देखते हैं, इसका जो है फार्मूला है 2N2. L शेल के लिए मालूम करते हैं, N की जगह हम इसका जो है नंबर 2 पुट करेंगे. इसी तरह से हम इसका जो स्क्वायर लेंगे 2 2 ज़ा, हमारे पास क्या आता है 4. अब इस L शेल में हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8. इट्स मीन कि हमारे पास जो सेकंड नंबर का L शेल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ये हमने मालूम किया है इस फार्मूले के तहत. इसी तरह से व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे M शेल की, जो हमारे पास नंबर 3 है. M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं इसी फार्मूले के तहत 2N2. M शेल की बात करें, M शेल हमारे पास नंबर 3 है. 3 को पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 3 ज़ा 9, और 2 का अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़ा 18. व्यूअर्स, इसके ज़रिए से हम बहुत आसानी जो है शेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता सकते हैं कि कितने कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. इसी तरह से हम बात करते हैं N शेल की. तो N शेल हमारे पास जो है नंबर 4 शेल है. इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, 4 पुट किया हमने,
फोर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फोर फोर ज़ा 16, इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216 ज़ा 32। इट्स मीन कि हमारे पास फोर शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें यही बताया गया है कि किस तरह से हम पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट शेल्स के दरमियान में, यानी कि जितने भी हमारे पास शेल्स मौजूद हैं, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ओनली वन हमारे पास शेल होगा के शेल, और अगर हमारे पास जो है थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट्स मीन के सेकंड शेल भी हमारे पास मौजूद होगा, वो होगा एल शेल। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो शेल जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियस से जिस शेल का डिस्टेंस जितना कम होगा, एनर्जी लेवल इतना जो है उसका कम होगा। अब ये देखें, इसका जो है डिस्टेंस बिल्कुल करीब है तो इसका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा बनिस्बत इसके, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। जितना दूर शेल होगा एनर्जी लेवल इतना हाई होगा। उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।